अरे हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। अरे इनके बाबूजी की बीमारी ने तो हमारी जिंदगी नरक बना रखी। नरक सच में। क्या हुआ? मुझे लगा इस कमरे में कोई आया है। मेरे सिवा है कौन और? ये जो बुड्ढा है। अरे हम सब सेवा करते करते थक गए हैं। आखिर कब तक सेवा करते रहेंगे हम सब? सबर करो। अरे क्या सबर करो? 90 साल के हो गए और कितना जिएंगे? सब कौन आ सकता है? जाकर देखो। जी कहिए। नमस्कार। नमस्कार। मैं बीमा एजेंट हूँ बीमा कंपनी से। यहाँ तो सबका बीमा हो रखा है। आपके बाबूजी का? वो तो 90 साल के हैं और कुछ ही दिन के मेहमान हैं। हो जाएगा उनका बीमा? हाँ उनका बीमा हो जाएगा। मेरे पास एक योजना है 2 करोड़ रुपए की। स्कीम महंगी है, प्रीमियम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन बीमा हो जाएगा। देख रहे हो बाबूजी की हालत, क्या अभी भी करोगे इनका बीमा? हाँ, कुछ कागजों पर दस्तखत करने होंगे और प्रीमियम अमाउंट का चेक बनाना होगा। हो जाएगा इनका बीमा। आपके प्रीमियम का चेक तो कल जमा होगा और यूं समझिए कि आपके बाबूजी की बीमा पॉलिसी आज से अभी से शुरू हो गई। मतलब ये कि आपके बाबूजी की अगर आज ही मृत्यु हो जाए तो भी आपको 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। नाना भाई, हमारे बाबूजी अभी नहीं मरने वाले, बहुत शक्त जान है उनकी, 20 बरस अभी और जिएंगे। भगवान सबको आपके जैसा बेटा दे। आपने अपने बाबूजी पर फिर से 2 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। 2 करोड़ के लिए 2 लाख, मतलब समझती हो? अरे गधा है वो बीमा एजेंट, 90 साल की उम्र में किसी का बीमा होता है क्या? अरे कौन से बाबूजी आज ही मरने वाले हैं? अरे तुम्हें याद है ना, डॉक्टर ने क्या कहा था, रात की दवा बंद कर दो, कुछ ही घंटों में अपने आप प्राण त्याग देंगे। लगता है बाबूजी बहुत तकलीफ में। अरे होने तो थोड़ी बहुत तकलीफ, वरना उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? आज चाहे जो भी हो जाए ना, उनको रात की दवा मत देना। अरे उनके जिंदा रहते 2 करोड़ के बीमा की रकम कैसे मिलेगी? अरे हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब तो अंदर चलो, ज्यादा मत सोचो, दरवाजा बंद कर लो, चलो।
ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि बाऊजी ने मौत को चकमा दिया कैसे? अरे सुबह से 6 ग्लास दूध पी चुके हैं और अब मच्छी मांग रहे हैं। मच्छी? हाँ। और बाबूजी? अरे बाबूजी तो शुद्ध शाकाहारी हैं। ये क्या कर रहे हो तुम भानु राय? कैसे कैसे लोगों का बीमा कर रहे हो? ये सोमेश कुमार कबर में लटकती लाश। डॉक्टर साहब कुछ तो बताइए। आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि ये 24 घंटे से ज्यादा जी सकेंगे। अब अपने घर के बड़े बुजुर्गों बुला लीजिए। मोनी को कौन टाल सकता है भाभी? पिछले 2 सालों से भैया बीमार है और हम जानते भी थे कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। दिन गिन रहे थे बस। जी कहिए। जी आपने अपने पति का बीमा करवाया? कौन है आप? और ये क्या कह रहे हैं आप? जी मैं बीमा कंपनी से बीमा एजेंट। आपके पति की बीमारी के बारे में भी अच्छी तरह से जानता। तब तो आप ये भी जानते होंगे कि वो 24 घंटे से ज्यादा नहीं जीने वाले। ये जानता हूँ, तभी तो आया हूँ। मेरे पास बीमा की एक योजना है। भगवान ना करे अगर आपके पति आज ही मर गए तो आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। आपको बस प्रीमियम का 2 लाख रुपए का चेक देना होगा और कुछ कागज साइन करने होंगे। बीमा अभी से हो जाएगा। भाभी एक मिनट। मुझे तो ये आदमी कोई पागल मालूम होता है, पर आप है ना भैया का बीमा करवा लो, क्योंकि भैया के जाने के बाद पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही और 2 करोड़ कम रकम नहीं होती है। मैं एक काम करता हूँ, चेक निकालता हूँ, तब तक आप फॉर्म साइन कर दो, ठीक है? फॉर्म साइन कर दे, वक्त कम है आपके पास भी और मेरे पास भी। ये बीमा कंपनी 2 करोड़ रुपए इनके परिवार को देगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ऐसे लोगों का बीमा कराया जाता है कहीं? आज बीमा कल मौत और परसों
कंपनी इनको 2 करोड़ रुपए दे दे। क्यों? अरे बेवकूफ, इस तरह तो बीमा कंपनी कंगाल हो जाएगी। कंगाल, कुछ समझ है काम की? नहीं मरेगा सर। जिन जिन का बीमा मैंने किया है नहीं मरेगा, अभी कोई मरने वाला नहीं। सब्जी अच्छी है, अगली बार मिर्ची ज्यादा डाला करो, और अच्छी बन जाएगी। अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने डॉक्टर साहब को कॉल किया था लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था, और मैं उन्हें बुलाने के लिए उनके घर भी गया था, और वापस आकर देखता हूँ तो भैया की लाश गायब। भाभी, भाभी, ये कैसे हो सकता है भाभी? अभी थोड़ी देर पहले तो भैया की सांसें बंद थी और अभी जिंदा। इस महीने का बेस्ट बीमा एजेंट भानु राय, तालियों के साथ इनका सम्मान कीजिए। आप सबको तो पता ही होगा कि भानु ने ऐसे ऐसे लोगों का बीमा करवाया है जो कि बहुत बूढ़े हैं, मौत की कगार पर है, मरने वाले हैं, लेकिन अब तक सब के सब जीवित हैं। कोई भी नहीं मरा। करोड़ों का बीमा, लाखों का प्रीमियम। सुनने में थोड़ा बुरा लगता है लेकिन अंदर से खुशी भी हो रही है कि अब ये डूबती हुई कंपनी मुनाफा कर रही है, बहुत मुनाफा कमा रही है। और ये सब भानु राय की वजह से। शाबाश भानु राय, शाबाश। Keep it up। लेकिन शर्मा जी, 7 बरस के आगे के लोगों का तो बीमा निकालने का चलन है ही नहीं। गुना की ऐसे बीमार लोगों का जो मौत के दरवाजे पे खड़े हो, कैसे निकाल रहे हैं बीमा? ए
इस भानु राय के गिरफ्तार में झांकना पड़ेगा। करता चला हूं मैं गली गली, आप लोग कौन है भाई? आप लोग को तो नहीं पुकारा था मैंने। चल। हाँ सुन, बॉस को किसी ने जहर दे दिया है, बहुत मुश्किल से उठा के लाए इनको। तो मैं क्या करूँ, डॉक्टर को दिखाओ ने? अरे मर जाएंगे वो। बीमा कर इनका? हाँ सुना है तेरा बीमा किया हुआ कोई मरता नहीं है। ये किसने कहा तुमसे? बस किसी ने बोला है बीमा कर, तेरे को बोले ना। 10 करोड़ का बीमा करवाना पड़ेगा, 10 लाख का प्रीमियर बनेगा, बॉस तुम्हारे जिंदा हो जाए। अरे कितना भी पैसा ले ले पर बॉस को जिंदा कर। ठीक है, मेरे बीमा के साइड इफेक्ट्स भी हैं। जो होता है होने दे, पर बॉस बचने चाहिए। तुम सब लोग बाहर जाओ, जब तक मैंने कहूँ अंदर कोई नहीं आएगा। क्यों? बॉस को जिंदा देखना चाहते तो जैसा बोलता हूँ वैसा करो। ठीक है, बीमे के प्रीमियर का चेक रेडी रखना। आ जाओ तुम लोग, बॉस ठीक हो गए। अब मैं चलूं? ठीक है तू जा। करता चला हूं मैं। बीमा के साइड इफेक्ट झेलो बेटा, जैसे सब लोग झेल रहे हैं। क्या हो रहा बाबूजी को? पता नहीं, कुछ पूछो तो काटने को दौड़ते, ढंग से बात ही नहीं करते, सारी हरकतें बिल्ली जैसी हैं। सिर्फ हरकतें ही नहीं, मुंह और कान भी बिल्ली जैसा होता जा रहा है, पूछ भी बिल्ली जैसी निकल आई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करे तो करे क्या? पूछने जाओ तो काटते हैं। करे तो क्या करे भाभी, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, उनके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर भैया के साथ हुआ क्या है। कमाल कर दिया तुमने भानु राय, कमाल कर दिया। देखो देखो देखो, पंकज सक्सेना उम्र 86 साल, राधा 20, उम्र 95 साल, शेख वाजिद डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अल्बर्ट ब्रिगेंजा जवाब दे दिया डॉक्टर, इन सब के 2 से 5 करोड़ के बीमे हैं, 2 से 5 करोड़ के, और ये सब जिंदा। और ये कौन है? पता नहीं कौन है। 10 करोड़ का बीमा, 10 लाख का प्रीमियम, कौन है ये भानु? कोई गैंगस्टर है क्या? चेहरे से तो लंगड़ा भास्कर लग रहा है, कौन है ये? वही है, जिंदा है। सीख लो कुछ तुम इनसे,
सीखो सीखो तुम भी। चवन्नी अट्ठन्नी के प्रीमियम लाते हो और हीरो नंबर वन बनने का सपना देखते हो। बीमा इंडस्ट्री का हीरो नंबर वन ये है भानु राय। ये 2 लाख का स्पेशल बोनस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन मानू जी। थैंक यू। ये सब कैसे कर लेते बॉस? सीक्रेट है, बता दो ना। साइड इफेक्ट्स भी है। हुआ कैसे हुआ कुछ मालूम ही नहीं चला। 31 तारीख को पहली बार ऐसा बर्ताव किया बाबूजी ने। 30 की रात को लगा कि बाबूजी गुजर गए, पर सुबह 30 की रात, 30 उसी दिन तो बीमा हुआ था और अगले दिन इनकी ऐसी हालत हो गई। जी कहने में तो बुरा लग रहा है पर जानवर हो गए हैं बाबूजी। डॉक्टर ने कहा था 24 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। 2 महीने हो गए, जिंदा है, लेकिन ये जीना भी कोई जीना है? कुत्तों जैसी हालत बन गई है इनकी। वैसे इनका बीमा तो 2 तारीख को हुआ था ना? जी हाँ सर, उसी के बाद ये सब हो रहा है। क्या उम्र बताई आपने अपनी माँ की अवस्थी साहब? 75 साल। हो जाएगा बीमा, प्रीमियर 5 लाख। लाश उठाना मत। मैं अभी आया जी, कोई मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एड्रेस तो यही है ना? 53 सूरज विला शास्त्री नगर, यही है ना? मैं अभी आया। आकाश अवस्थी वहां बैठा है। आकाश अवस्थी
जी मैं भानु, बीमा एजेंट अभी अभी आपसे फोन पे बात हुई थी। हाँ। कागज दस्तखत के लिए तैयार है, आपका प्रीमियम का चेक रेडी है। प्रीमियम का चेक तो मैं दे दूंगा, पर मेरी माँ मर चुकी है, और फिर मरो का बीमा कैसे होता है? मैं मरो का बीमा भी करता हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। मैं 2 मिनट के लिए अंदर जाता हूँ, जब तक मैं अंदर हूँ बाहर से किसी को अंदर मत आने दीजिए। तुम आदमी हो या प्रेत? पुकारता चला हूं मैं गली गली बार के, पुकारता चला हूं मैं गली गली बार। पीछा कर रहे थे ना? क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम बीमा एजेंट भानु राय हो या कोई भूत प्रेत। मैं भानु राय, बीमा एजेंट भी और प्रेत भी। तुम जानना चाहोगे मैं ऐसा क्यों हूं? फिर एक बार सोच लो बेटा, अगर तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो गई और तुम स्वर्ग सिधार गए
तुम्हारी बीवी का क्या होगा? तुम्हारी जमा पूंजी से और कितने साल काटेगी वो? मेरी बात मान लो, मेरे पास एक अच्छी बीमा योजना है, करा लो अपना बीमा और अपनी बीवी का भविष्य सुरक्षित कर लो। भाई साहब, आपको मेरी बीवी के भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसके लिए मैं बैठा हूँ और मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं नहीं मरने वाला। कल ही मैंने चेकअप करवाया, सर से लेके पाता हूँ, एकदम फिट हूँ मैं। मुझे कोई बीमा वीमा योजना नहीं चाहिए। नमस्कार। नहीं, क्या हो जाता है, बीमा एजेंट हमेशा दूसरों को मारने पे ही लगे रहते। हम इनके बर्ताव के लिए आपसे माफी मांगते हैं। तुम मेरे दोस्त की बेटी हो, इसलिए तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर आज रात को तुम्हारे पति को कुछ हुआ तो मुझे बुला लेना, मेरा नंबर तो है ना तुम्हारे पास। कहा था कि आप मेरी मदद करेंगे, तो फिर कीजिए आप मेरी मदद, मेरे पति को वापस ले आइए। उस रात बीमा प्रेत ने मेरे मरे हुए शरीर के अंदर आत्मा डालकर मुझे नया जीवन दिया। विचित्र था लेकिन पुनर्जन्म हुआ मेरा। देखते देखते मैंने अपना कारोबार बंद कर दिया और ज्यादा वक्त बीमा प्रेत के साथ गुजारने लगा। और फिर वो दिन भी आया जब बीमा प्रेत ने अपने विचित्र काम का दायित्व मुझे सौंपा। बस फिर क्या था, ज्वाइन कर ली मैंने ये बीमा कंपनी। मरते हुए लोगों का और मरे हुए लोगों का भी बीमा निकालकर उनके शरीर में जानवरों की आत्माएं डालकर उनको नया जीवन देने लगा। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं,
इससे पहले कि मेरे अंदर के प्रेत को तुमसे खतरा महसूस हो तुम यहाँ से चले जाओ, वरना चाहकर भी मैं अपने प्रेत से तुमको बचा नहीं सकूंगा। जो मैं उस घर से भागा हूँ, क्या बताओ, बस जान बच गई मेरी। कहानी तो अच्छी है, फिल्म बनाए। अबे ये कहानी नहीं है, अपना वो जो भानु है ना, वो भूत है भाई, भूत आत्माएं पकड़ता है वो। बस बस, 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 बस। क्या हुआ भाई लोग? कुछ नहीं, ये कहानी सुना रहा था। हाँ, एक कहानी मुझे भी सुनाई थी इसने कि मैं भूत हूं, आत्माएं पकड़ता हूं। चलिए, ये तो ऐसे झूठी मूठी कहानी सुनाते रहे भूत भूत की। चलिए अपना अपना काम करते हैं। तेरा तो रात को मैं डी एंड करता हूं। भानु, तुम फिर मेरी कोई कहानी सुनने आए हो? नहीं, तुम्हारी कहानी का अंत करने आया हूं। मतलब? इस महीने का बेस्ट बीमा एजेंट भानु राय, तालियों के साथ इनका सम्मान कीजिए। सीख लो कुछ तुम इनसे, सीखो सीखो तुम भी। 54-58 के प्रीमियम लाते हो और हीरो नंबर वन बनने का सपना देखते हो। बीमा इंडस्ट्री का हीरो नंबर वन ये है भानु राय। ये 2 लाख का स्पेशल बोनस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। सॉरी भानु राय, मेरी तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इतने सालों बाद मेरा भी तो हक बनता है बॉस से शाबाशी लेने का और अपनी कंपनी का उत्कृष्ट बीमा कर्मचारी बनने का, और अब वो सब होगा, इसलिए मैंने तुमसे मेरा हक छीन लिया। जी लेकिन मेरी तो बानू राय से बात हो गई थी कि मेरी मरती हुई बीबी का बीमा वो करेंगे, मैं प्रीमियम का चेक भी लाया हूँ। बानू राय आज रिटायर हो गया है, अब मरते हुए और मरे हुए लोगों का बीमा मैं करवाऊंगा। आप प्रीमियम और मेरे नाम का निजी चेक लेकर आइए, आपकी मरती हुई बीवी का बीमा हो जाए। ठीक है, अभी लाया।